मोलैरिटी वाला पार्ट क्या होता है, और ये भी बोला था कि कंसंट्रेशन को बेसिकली मोलैरिटी ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी उसी पार्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है, और उन सब पॉइंट्स के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग मोलैलिटी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और उसके बाद फिर हम लोग उन सब के आपस में इंटर कन्वर्जेंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में शायद एक क्वेश्चन कराया था, और अगर नहीं भी कराया तो एक क्वेश्चन आज हम पहले डिस्कस कर लेंगे अभी के लिए, बाद में हम कन्वर्जेंस वाले पार्ट में उस चीज को आराम से मेंशन करते चलेंगे। खैर, जैसे एक चीज कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि मान लो जैसे होली के टाइम की बात करते हैं अगर हम लोग, तो होली के टाइम पे ऐसा तो सबको मालूम ही है कि बकेट में हम लोग रंग भरते हैं, और बकेट में रंग भरने के बाद उसको हम लोग आराम से अब बलून में भर के फेंको या फिर पिचकारी में भर के फेंको या जो कुछ भी करो, बट बेसिकली हम लोग आराम से बकेट में रंग भर के काम करते हैं। तो जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं कि हम लोग के बकेट में पहले से कलर डाला हुआ है, तो अगर हम लोग इसमें दो काम कर सकते हैं, ठीक है। एक काम ये कि इसमें हम लोग पानी ऐड कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा पार्ट इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। तो अनिमेश ये बताओ, पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा? बताओ भाई अनिमेश। सर उसका कंसंट्रेशन बढ़े आएगा सर, हम कंसंट्रेशन तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बस पानी भर रहे हैं बकेट में। बस पानी बढ़ाएगा और क्या, ट्रांसपेरेंट पानी भरेंगे तो क्या दिखेगा, हम लोग क्या फील होगा? दिखेगा सब कुछ। ट्रांसपेरेंट दिखेगा, पहले ओपेक दिख रहा था, हम लोग को जो कलर है वो थोड़ा लाइटर दिखाई देगा, ठीक है। मतलब कलर हल्का होना शुरू होगा। अगर उसमें हम लोग कलर डालते हैं तब उस केस हाँ में क्या होगा? तो कलर डालने पे फिर हम लोग को थोड़ा ज्यादा डार्क रंग दिखाई देना शुरू होगा। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे हम लोग का जब कलर लाइट हो गया, तो लाइट होने का मतलब है कि हम लोग का सॉल्यूशन वाला पार्ट डाइल्यूट हो गया है, हल्का हो गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जब हम लोग पानी के एडिशन किए, और पानी बेसिकली हम लोग के पास सॉल्वेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हम लोग सॉल्वेंट के एडिशन किए तो इसका मतलब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कलर डाले तो कलर वाला पार्ट तो सॉल्यूट था, तो जब हम लोग सॉल्यूट को डाले तब तो उस केस में कलर डार्क हुआ। डार्क होने का मतलब कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट हुआ इंक्रीज हो रहा, तो इन जनरल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे जब भी कभी अपने पास एक सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, अगर उसमें हम लोग सॉल्वेंट डालेंगे तो सॉल्वेंट डालने पे डाइल्यूशन होगा, मतलब कंसंट्रेशन वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। करना भी चाहिए, मैथमेटिकली भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। जब डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। दूसरा, जब हम लोग सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट डालने पे कंसंट्रेशन वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते थे हम लोग। जैसे मान लो ये केस दे रखा हम लोग के पास कि लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो बेसिकली जब हम लोग डाइल्यूशन कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था कि डाइल्यूशन करना है या फिर हम लोग को कंसंट्रेशन करना है। तो जब हम लोग डाइल्यूशन वाले पार्ट को कैरी आउट कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन वाले पार्ट को कैरी आउट करने का मतलब है बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट को जब ऐड करते हैं तो सॉल्यूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे पहला केस है, और इसको ढंग से समझना, क्वेश्चन में इस चीज को यूज करते हुए काम करना होता है कि जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐड नहीं कर रहे, केवल सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट को ऐड करने का मतलब है हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन आराम से बोल सकते हैं। जब डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसका ध्यान रखते हुए काम करना है। पहला सीनेरियो हो गया। दूसरा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। मान लो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को चेंज करते हैं, वॉल्यूम को फिक्स्ड रखते हैं, तो अगर वॉल्यूम को फिक्स्ड रखेंगे बट नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को घटा नहीं सकते हम लोग, प्रॉब्लम यह है। जैसे मान लो पानी में कलर डाल रखा है तो कलर को निकाल नहीं सकते, प्रॉब्लम इस चीज का है। हम लोग इवेपोरेशन करके सॉल्वेंट को हटा सकते हैं बट हम लोग कलर को नहीं हटा सकते। मतलब एक बार सॉल्यूशन बन गया तो उसको हम लोग डायरेक्टली उसमें से ना सॉल्वेंट रिमूव कर पाएंगे, ना डायरेक्टली उसमें से हम लोग सॉल्यूट रिमूव कर पाएंगे। बस आइदर सॉल्यूट ऐड कर पाएंगे
या फिर हम लोग सॉल्वेंट ऐड कर पाएंगे। तो जब सॉल्वेंट ऐड किए थे मतलब कंसंट्रेशन घटाए थे तो डाइल्यूशन हुआ, लेकिन तब हम लोग का सॉल्यूट कांस्टेंट था। या दूसरे केस में अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को कांस्टेंट रखे, नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट हम लोग सॉल्यूट वाले पार्ट का ऐड अप किए, तो जब सॉल्यूट के पार्ट को ऐड करेंगे मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो उस केस में कंसंट्रेशन वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। तो इस चीज को हम लोग कंसंट्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना, डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। बस ध्यान रखना कंसंट्रेशन के टाइम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, डाइल्यूशन के टाइम पे सॉल्यूट पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, केवल वॉल्यूम वाले पार्ट का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस चीज को ट्राई करके देखो। नोट करो क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added to 1 liter of one molar NaOH solution to convert it to 0.01 molar NaOH solution। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच के देखो इस चीज को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH solution टू कन्वर्ट इट इनटू 0.01 मोलर NaOH solution। ट्राई करके देखो। सर 100 लीटर होगा क्या? और अच्छे से सोच के देखो। नहीं, और सोच के देखो। 100 किसका आया था आंसर? अनिमेश का ना? अनिमेश सर 100 आ रहा है। 100 आ रहा है? पक्का 100 आ रहा है? यस सर। हमें कैंसर बताया साइड में? आंसर बताया हम साइड में? एक लीटर पहले से था। सवाल क्या पूछा हुआ है? ढंग से देखो सवाल। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, इतना पानी ऐड करें। हाँ सर, कितना पानी, कितना पानी फाइनल है ये नहीं पूछा है। सवाल ढंग से पढ़ा करो, अंग्रेजी स्कूल के पढ़ने वाले नालायक लोग सबके सब अंग्रेज बन गए हैं, ढंग से आता नहीं है पढ़ने। सवाल ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर में कितना पानी एड करेंगे ताकि कंसंट्रेशन 0.1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सब लोगों का 100 तो आया था, बट 99 लीटर पानी एड करेंगे। वैसे एक चीज पे ध्यान दो, थोड़ा बड़ा सिंपल सा चीज है, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, जैसे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ये तो मालूम है। अब सवाल सॉल्व करते वक्त एक काम कर सकते थे, जैसे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके और दूसरे वाले में वही नंबर ऑफ मोल्स पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्कूल के एग्जाम में उस टाइप से काम करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस टाइप से काम मत करना। पहला पार्ट क्या रखा था, कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो पहले 1 लिख लिया, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कितना है 1 लीटर के बराबर, तो ऐसा 1 मेंशन कर लिया। और अभी मेंशन किया था कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, मतलब डाइल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो डाइल्यूशन के टाइम पे एक चीज तो फिक्स्ड है अपने पास कि हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड रहेगा।
तो एक काम करते हैं, दूसरे वाले केस में 0.01 मोलर सॉल्यूशन था, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम निकालना था कि कितना पानी ऐड करे। तो जैसे 1 लीटर पहले से था, मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम जो ऐड किया वो वी के बराबर है, तो नेट वॉल्यूम वी प्लस वन के बराबर हो जाएगा। मतलब एन नंबर ऑफ मोल्स पहले से था, मान लिया कि वॉल्यूम जो हम लोग ऐड किए पानी का वी के बराबर था, तो नेट वॉल्यूम वी प्लस वन हो गया। तो पहले वाले केस में कंसंट्रेशन मालूम पड़ गया, दूसरे वाले का भी एक्सप्रेशन मालूम पड़ गया, बीच में लाइन खींच दो तो उससे डिवीजन हो जाया करेगा। डिवीजन होने का मतलब है कि एन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, 1 = n/1 / 0.01 = n/v+1। यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये v प्लस वन ऊपर जाएगा और 1/0.01 ये चीज निकल के आएगा 100 के बराबर। तो 100 = v+1, इसका मतलब v = 99 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो सवाल तुम लोगों ने भी सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये तरीका यूज करना शुरू करो कि जब भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का कैलकुलेशन करना हो तो पहले एक का एक्सप्रेशन लिखो, फिर दूसरे का एक्सप्रेशन लिखो और बीच में लाइन खींच दो। जब लाइन खींचेंगे तो डिवीजन होने से जो ये अननोन पार्ट है इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना डायरेक्टली ही कैलकुलेशन हो जाएगा, अपना कैलकुलेशन आसानी से हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा चीज का क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ बोलो सर, जो एन को काट दिए सर वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। अरे जब बोल रहे थे तो नहीं सुन रहा था क्या? सर सुन रहे थे, अभी भी नींद में है क्या? तो नहीं सर, समझ गए। झूठ बोलेगा? चलो ध्यान दो। तो एक तो ये पार्ट है जहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन वाला पार्ट कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन करते वक्त हम लोग सॉल्वेंट को ऐड किए, ऐसा कैलकुलेशन आराम से किया जा सकता है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है, जैसे मान लो कि हम लोग के पास ऐसा दे रखा, मान लो ये भी हम होली के टाइम पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मान लो एक जगह कलर दे रखा, इसको C1 मेंशन कर दिया, दूसरा एक और बकेट है इसमें C2 वाला पार्ट दे रखा। जब दोनों को मिला के हम लोग एक बकेट में डाल देंगे तब क्या होगा? तो अपना कंसंट्रेशन C1 + C2 के बराबर होगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है, इन जनरल ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता भी है बट इन जनरल ऐसा नहीं होता। देखा होगा कभी, जैसे एक कलर अगर डार्कर है और दूसरा कलर अगर लाइटर है, तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तो जो अपना कलर है वो इन दोनों के बीच का कुछ वैल्यू आता है, मतलब ना बहुत डार्कर रह जाता है ना बहुत लाइटर हो जाता है, उसके बीच में कुछ हम लोगों को कलर दिखाई देना शुरू होता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अगर एक सॉल्यूशन ए है उसको सॉल्यूशन बी में ऐड किया, तो जब दोनों का एडिशन होगा जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सेम होने चाहिए, तो अगर दोनों का एडिशन हुआ विद सेम सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूट सेम होने के वजह से हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आराम से। ये सॉल्यूट वाला पार्ट सेम था अगर, तो इस केस में पहले को और दूसरे को मिला करके जब हम लोग एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इस केस में जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसके कंसंट्रेशन को हम लोग आराम से सी रिजल्टेंट के फॉर्म में मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब लिखने का तरीका होगा रिजल्टेंट कंसंट्रेशन, और उसको निकालने का तरीका क्या होगा? तो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं डायग्राम, एक सॉल्यूशन है ए और एक दूसरा सॉल्यूशन है बी। सॉल्यूट दोनों में सेम है, सॉल्यूट दोनों में अलग अलग नहीं है। इस केस में पहले वाले का कंसंट्रेशन C1 के बराबर है, वॉल्यूम V1 के बराबर है, दूसरे का कंसंट्रेशन C2 के बराबर और वॉल्यूम V2 के बराबर। तो इस केस में जब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं सी के बराबर है या सी रिजल्टेंट के बराबर, ये सी रिजल्टेंट कितना होगा अगर ये कैलकुलेट करना है, तो हम लोग डायरेक्टली C1 + C2 नहीं कर सकते। जैसे उसको ऐसा समझ लो, एक सब्सटेंस जिसका डेंसिटी D1 है, दूसरा सब्सटेंस जिसका डेंसिटी D2 है, तो जब दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करेंगे तो डेंसिटी D1 + D2 नहीं होता है। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन में यूज भी किया था, तो डेंसिटी D1 + D2 नहीं लिखेंगे, डेंसिटी अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे करना क्या होता है इस चीज को मेंशन करते हैं। पहले वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मालूम है अपने को कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो जब पहले वाले में हम लोग कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करेंगे, मतलब C1 × V1 कर सकते हैं। जब NB में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो C2 × V2 आराम से कर सकते हैं। तो एक चीज है,
कि जब सॉल्यूशन ए को सॉल्यूशन बी के साथ मिक्स कर देंगे हम लोग, तो ये फाइनल सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल सॉल्यूशन में हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। उसके अलावा टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो अपना फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब सी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी मेंशन कर सकते हैं। तो यहां से सी रिजल्टेंट इज इक्वल टू एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू डिवाइडेड बाय, सॉरी एन वन नहीं, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। ये फॉर्मूला हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं अगर हम लोगों को रिजल्टेंट कंसंट्रेशन निकालना होगा दो सॉल्यूशन वाले पार्ट को आपस में मिक्स करके। तो एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपरली याद रखना ही रखना है, वैसे हम सजेशन ज्यादा नहीं देंगे फॉर्मूला बहुत रट के रखने का, इसका हम और भी शॉर्टकट बताएंगे। इन सब के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा हेडिंग मेंशन कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें ये पार्ट नोट कर लेना, यहां से डायग्राम नोट कर लेना। सिंपल सा फॉर्मूला है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, हम लोग टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके रेशियो को कैलकुलेट करके हम लोग आराम से रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हुए काम कर सकते हैं। सी रिजल्टेंट या सी फाइनल इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। एक ये पार्ट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बहुत बार हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके हम लोग आराम से रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसको बताने के बाद आज तो होमवर्क भी काफी सारा मिलेगा तुम लोगों को, क्वेश्चंस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन नोट करना शुरू करो, इसको नोट करने के बाद फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
एक एक क्वेश्चन देते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और फटाफट आंसर बताते जाना है। जिन लोगों के बैकग्राउंड में कोई साउंड वाउंड नहीं चल रहा वो अपना ऑडियो अनम्यूट करके रख सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि डिस्कशन वाला पार्ट करना है हम लोग इसमें। कितना आंसर आएगा? किसी का आंसर? जल्दी बताओ भाई, इतना टाइमिंग लगाने का है। जिसको भी डाउट होगा पूछ लो, फटाफट पूछ लो। जिसको भी डाउट है फटाफट पूछ लो। 0.1 बढ़िया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, अपना डाउट क्लियर करके रखो। इसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रशांत प्रशांत से जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर ही वापस आ जाता है घूम करके। यस सर, हो गया। यस हाँ। ये वैसे तुम लोगों से वैसे भी सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्लास 10 में पढ़ाया था तुम लोग ये चीज है। मिली? यस सर। प्रीति, प्रीति यादव सर, प्रीति कुमारी बन गया। ओके, उसके बाद शाश्वत, श्रुति जल्दी बताओ। बताओ बन गया सर। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। एक चीज ध्यान दो, अगर कंसंट्रेशन सेम है ना तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनल आंसर सेम होगा, रट लेना इस तरीके को। कभी भी कंसंट्रेशन अगर सेम है तो फाइनल कंसंट्रेशन सेम ही होगा, अगर हम लोग सेम स्पीसीज को मिला करके देख रहे हैं तब। जैसे ट्राई करके देख लो, 2 मोलर 5 लीटर NaOH प्लस 5 लीटर भी नहीं लेते, काम करते हैं 2 लीटर ले लेते हैं, दूसरा 2 मोलर 8 लीटर NaOH ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। दूसरा जो हम ट्रिक बताए उसको सोच के देखो, सेम आंसर आएगा सर। तू ही किया कि डायरेक्टली बोल दिया सर? किए सर, 4 और 16, 20 divided by 10। सवाल में सेम है तो फाइनल आंसर सीधा वही आएगा, सीधा आंसर बोल सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? अगर समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 3। आंसर हो जाएगा 3। किसी का एक आंसर आ गया? हाँ ठीक। कैलकुलेशन फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। हाँ, 2 × 2 प्लस उसके बाद 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वॉल्यूम 2। यहाँ पे वॉल्यूम 2 दे रखा, यहाँ भी वॉल्यूम 2 दे रखा, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो 4 प्लस 8 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से 3 आएगा। तो एक चीज देख लेना यहाँ पे, ये भी एक ट्रिक है याद रखना, अगर वॉल्यूम वाला पार्ट सेम है तो उस केस में फाइनल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई 2। हमेशा अगर वॉल्यूम वाला पार्ट सेम है
तो C1 plus C2 by 2 करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई मत करना, सीधा आंसर निकाल लिया करना। समझ आया? सर उसका केमिकल भी सेम होना चाहिए। केमिकल सेम नहीं होगा तो हम लोग सॉल्यूशन में मैच करके नया सॉल्यूशन बना थोड़े ना रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं रहेगा उस चीज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 0.1 मोलर 200 ml, चलो NaOH ही ले लेते हैं, NaOH प्लस 0.2 मोलर ml NaOH, ट्राई करके देखो। चलो देख लेते कैलकुलेशन करके। जैसे एक चीज को ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान देना इधर सब लोग, क्वेश्चन में यहाँ ml दे रखा है लेकिन हम लोग कभी भी ml के टर्म में तो कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम तो जो फॉर्मूला मेंशन किए थे उसमें लिखे थे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे जब हम लोग लीटर लिए थे तो ऊपर मोल्स चल रहा था, तो ऐसा लिख सकते थे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, जो कि लीटर में होता, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता। अगर हम लोग इस लीटर के जगह पे मिली लीटर कर दें तो जो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स है उसके जगह पे मिली मोल्स निकल के आ जाएगा। जैसे लीटर होता है तो लीटर वाले पार्ट में जब 10^-3 का फैक्टर होता है तो इसी चीज को हम लोग मिली लीटर बोलते हैं। तो सिमिलर टाइप से अगर एक मोल वाले पार्ट में 10^-3 का फैक्टर होगा तो उस चीज को हम लोग मिली मोल बोल सकते हैं। समझ आया? तो हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो कैलकुलेशन हम लोग मोल्स के टर्म में कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हम लोग मिली मोल्स के टर्म में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे दे रखा NaOH वाला पार्ट, यहाँ भी NaOH वाला पार्ट, ml और ml, तो एक चीज मालूम है अपने को, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C1V1 plus C2V2 divided by V1 plus V2. तो ऊपर जो वॉल्यूम है अगर ये मिली लीटर में हुआ, नीचे जो वॉल्यूम है ये भी अगर मिली लीटर में है, तो ये जो 10^-3 का फैक्टर आएगा नीचे और ऊपर ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर कभी भी हम लोगों को दो सॉल्यूशन को मिला के एक सॉल्यूशन बना के उसका रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है तो उस केस में इस ml को लीटर में कन्वर्ट मत करना, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेना। डायरेक्टली कैलकुलेशन करने का मतलब मिली लीटर के फॉर्म में ही कैलकुलेशन छोड़ देना, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C1V1 0.1 के बराबर दे रखा था और वॉल्यूम वाला पार्ट दे रखा था 200 के बराबर, और दूसरे में 0.2 और वॉल्यूम 300। तो 0.1 into 200 ml plus 0.2 into 300 ml divided by V1 plus V2, मतलब 200 plus 300 लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 के बराबर, दूसरे वाले साइड से 60 के बराबर वैल्यू आएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे 500 दे रखा। तो ऊपर जो है हम लोग का फैक्टर मिली मोल्स के टर्म में आया, नीचे हम लोग का वैल्यू मिली लीटर के टर्म में आया। ये मिली वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ तो मोल्स पर लीटर वैल्यू निकल के आ गया। अगर मोल्स पर लीटर निकल के आ गया इसका मतलब वापस से हम लोग नॉर्मल मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 80/500 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 80/50, इसका मतलब 1.6 × 10^-1 या फिर 0.16 मोलर के बराबर वैल्यू होना चाहिए अपना। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर एक छोटा सा नया क्वेश्चन आएगा, इसको ट्राई करके देखो। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ
ऑल स्पीसीज, ऑल स्पीसीज मतलब ऑल आयंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इन 0.2 मोलर ऑफ पोटाश एलम, ऑफ पोटाश एलम। पोटाश एलम का फॉर्मूला तो किसी को मालूम नहीं होगा, इसलिए मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखना है, अभी तो याद नहीं रखना है लेकिन आगे जाने के बाद क्लास 12 में याद रखना है, तो इसलिए हम लोग दो तीन जगह ये फॉर्मूला मेंशन करते हुए चलेंगे पोटाश एलम वाले पार्ट का। K2SO4.Al2SO4 whole thrice.24H2O। कॉमन नेम जो भी मेंशन कर रहे हैं वो जानबूझ के मेंशन कर रहे हैं ताकि टाइम के साथ साथ बार बार रिपीट हो, तुमको अपने आप याद हो जाए, अलग से लिस्ट बना के याद ना रखना पड़े। Find the concentration of all the species in 0.2 molar solution of potash alum. सारे के सारे आयंस में एक तो दिख रहा पोटेशियम प्लस आयन है, दूसरा दिख रहा एल्युमिनियम 3 प्लस आयन है, और तीसरा सल्फेट आयन वाला पार्ट भी दिख रहा है, SO4 2 माइनस वाला पार्ट। वाटर तो आयन है नहीं, तो हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, सवाल में आयंस वाले पार्ट के कंसंट्रेशन को निकालने बोला है, कितना कितना कंसंट्रेशन आएगा। कितना आएगा पोटेशियम का कंसंट्रेशन? थोड़ा दिमाग चलाने का, केवल बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। किसी का आंसर? चलो एक छोटा सा हिंट दे रहा है, जैसे मान लो BaCl2 है, तो जब BaCl2 डिसोसिएट होगा तो शायद सुना होगा बचपन में Ba2+ बनेगा और साथ ही साथ 2Cl- बनेगा, तो जितना BaCl2 है, अगर एक BaCl2 है तो Ba2+ एक बन जाएगा और उसके अलावा Cl- वाला पार्ट 2 बन जाएगा, तो जितना BaCl2 है उतना ही Ba2+ जितना BaCl2 है उसका 2 गुना Cl- बन रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसके कंसंट्रेशन वाले पार्ट से, जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स को अगर 1 मानते तो Ba2+ का नंबर ऑफ मोल्स 1 होता, Cl- का नंबर ऑफ मोल्स 2 होता, तो अगर हम लोग इस कंपाउंड के कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें और मालूम है अपने को कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट जितना होगा कंसंट्रेशन भी उसी रेशियो में आएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है दोनों में तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट भी बराबर रहेगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 के जगह पे 2 हो गया मतलब डबल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 2 टाइम्स हो गया तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो जो BaCl2 का कंसंट्रेशन आएगा वही कंसंट्रेशन Ba2+ का होना चाहिए, लेकिन Cl- का कंसंट्रेशन जस्ट डबल निकल के आ जाएगा। एक स्पीसीज के अंदर जितने आयंस होते हैं उनसे हम लोग कंसंट्रेशन को आराम से रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं, जैसे मान लो H2SO4 है, अगर इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो इस केस में H+ का कंसंट्रेशन निकाले और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन निकाले,
तो H2SO4 में एक ही सल्फेट आयन है, तो एक H2SO4 एक सल्फेट आयन, दो H2SO4 दो सल्फेट आयन, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स उतना ही सल्फेट आयन के नंबर ऑफ मोल्स, तो जितना कंसंट्रेशन H2SO4 का उतना ही कंसंट्रेशन सल्फेट आयन का भी निकल के आएगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल में दो H है, मतलब जितना H2SO4 उसका दो गुना H+ के नंबर ऑफ मोल्स, तो जितना जितना H2SO4 का कंसंट्रेशन उसका दो गुना हम लोग के H2SO4 का कंसंट्रेशन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें तो बताओ पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना आना चाहिए? बोलो भाई जल्दी। 0.4 पहले वाले केस में 0.4 मोलर। एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन, सवाल भले ही बड़ा दे रखा बट सवाल से कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर ऑफ आयंस का रिलेशन है यहाँ पे। इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर पोटेशियम वाला पार्ट दो दे रखा, तो एक मॉलिक्यूल में दो पोटेशियम, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स लेंगे उसका दो गुना पोटेशियम, तो जितना कंसंट्रेशन लेंगे उसका दो गुना पोटेशियम। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्युमिनियम दे रखा, तो जितना मॉलिक्यूल उसका दो गुना एल्युमिनियम, तो जितना कंसंट्रेशन उसका दो गुना कंसंट्रेशन एल्युमिनियम वाले पार्ट का ले सकते हैं। सल्फेट में क्या कंसंट्रेशन होगा? सल्फेट का यहाँ पे भी एक पार्ट है और यहाँ पे भी एक पार्ट है, तो टोटल मिला के 3+1=4, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 सल्फेट आयन है, तो एक मॉलिक्यूल में 4 है, मतलब जितना हम लोग मॉलिक्यूल लेके चलेंगे उसका 4 गुना सल्फेट आयन, तो जितना कंसंट्रेशन लेके चलेंगे उसका 4 टाइम्स, मतलब 0.8 मोलर सल्फेट आयन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग स्पीसीज का कंसंट्रेशन भी आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग को मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन दे रखा होगा तो। और इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो, फाइंड द फाइनल H+ कंसंट्रेशन, फाइंड द फाइनल H+ आयन कंसंट्रेशन, ट्राई करके देखते जाओ। ट्राई करके देखो सारे क्वेश्चंस। सर पहले का 0.1 है क्या? पहले का 0.1 होगा सर। 2 का 0.2, 2 का 0.2 होगा, 3 का 0.3, 3 का 0.3 होगा सर। फोर्थ में कोई फर्क पड़ता है क्या अलग-अलग सब्सटेंस लिए तो? हम सवाल क्या बोले हैं, क्या बोले सवाल में? H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो अगर हम लोग H+ मिल जा रहा है दोनों तरफ से, तो हम लोग को कॉमन पार्ट तो मिल गया ना,
क्या पटके जा रहा है जी घर में। ट्राई करके देखो ये क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। ये कौन है, एलेक्स नाम से कोई स्टूडेंट है? अभी एलेक्स अपना ऑडियो अनम्यूट कर लो। सर फोर्थ का 0.14 होगा। फोर्थ का 0.14, 0.14 नहीं भाई, फोर्थ का तो ना 0.16 फोर्थ में पक्का? नहीं, और बताओ। अभी एलेक्स आवाज आ रहा है? कितना बोल रहे हैं? 0.16 ही ना होगा। 0.16 ही होगा पक्का? बताएं आंसर कितना होगा। दिखा स्क्रीन पे। पहले का आंसर डिस्कस करते हैं। पहले का आंसर 0.1 होगा, दूसरे वाले पार्ट का आंसर 0.2 होगा, तीसरे वाले पार्ट का आंसर 0.3 होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, किसी को कोई भी डाउट है फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो पूछ सकता है। आदर्श कहाँ गायब थे? आदर्श राज आवाज आ रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी को कोई डाउट है जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं किसी को? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट कर दीजिए ना, सेकेंड वाला। चलो ध्यान दो, जैसे सेकेंड वाले केस में 0.2 मोलर 200 ml HCl दे रखा, 0.2 मोलर 300 ml HCl दे रखा, तो ऐसा मेंशन कर लेते हैं HCl वाला पार्ट पहले साइड से कर लेके चले। तो 0.2 मोलर 200 ml HCl दे रखा और HCl सेकेंड वाले पार्ट से अगर कैलकुलेट करें तो 0.2 मोलर और 300 ml दे रखा। तो एक चीज यहाँ कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि HCl के अंदर एक एच है, इसका मतलब जितना HCl उतना ही H, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.2 लेकर के चल सकते हैं और वॉल्यूम तो 200 ml था। दूसरे वाले साइड से अगर लेके चले हम लोग वैल्यू, तो HCl फ्रॉम सेकेंड पार्ट या H प्लस फ्रॉम सेकेंड पार्ट will be equal to concentration of HCl, मतलब 0.2 molar और 300 ml। तो अगर formula से काम करें, तो formula था अपना C1 V1 plus C2 V2 upon V1 plus V2, तो C1 V1 मतलब 0.2 into 200 plus C2 V2, 0.2 into 300 divided by V1 plus V2, 200 plus 300, 200 plus 300 अगर consider करके चले तो उसके हिसाब से यहाँ पे value 0.2 into 200 निकल के आया। तो 0.2 into 200 कितना हो जाएगा, तो ये तो हटा देते हैं मतलब 40, उसके अलावा दूसरे वाले केस में ये भी हटा देते हैं तो 60 डिवाइडेड में नीचे कितना है 500 के बराबर। तो टोटल 100 by 500 का मतलब हो गया 1/5 का मतलब हो गया 0.2। तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना फुर्सत तुम्हारे पास भी नहीं होगा, इतना फुर्सत मेरे पास बिल्कुल नहीं होता है, हम बहुत आलसी आदमी हैं।
आराम से अगर कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनल कंसंट्रेशन सेम ही होगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर फोर्थ फिफ्थ का डिस्कशन शुरू करते हैं। जल्दी बोलो थर्ड तक में अगर कोई डाउट है तो। नो सर। चलो बढ़िया, अगर डाउट नहीं है तो फोर्थ नंबर वाले पार्ट में आते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे 0.1 मोलर H2SO4 दे रखा, तो H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर के बराबर है, तो यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, तो एक H2SO4 में दो H प्लस है, मतलब जितना H2SO4 उसका दो गुना H प्लस, तो जितना H2SO4 का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन उसका जस्ट ट्वाइस, इसका मतलब 0.2 मोलर लेके चल सकते हैं। और अगर HCl को लेके चले तो HCl का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो HCl वाले पार्ट में 0.2 मोलर ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले वाले की तरफ से H प्लस, दूसरे वाले की तरफ से H प्लस, दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है इसका मतलब फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन वाला पार्ट आराम से 0.2 मोलर लेके चल सकते थे। कैलकुलेशन भी करके आराम से देख सकते हैं, बट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो बताओ, समझ आया कैलकुलेशन या कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखो एक बार, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ढंग से कैलकुलेट करना, एक मिनट। विशाल सर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखो। सर 2.85 होगा क्या? क्या होगा? 2.5 हो सकता है, मतलब मे भी हो सकता है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। 2 है मतलब 0.4 हो जाएगा, और 1 तो 1 और 0.4 के बीच में कुछ वैल्यू आना चाहिए। एक सेकंड हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे कैलकुलेशन वाले पार्ट में कंसंट्रेशन तो सेम नहीं होगा, तो 0.4 × 500 प्लस 0.1 × 300 डिवाइडेड बाई 800, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, 8 × 5 = 40। तो पहले तो ये डेसिमल हटा देते हैं, मतलब 200 प्लस यहाँ वाले पार्ट में 30, 230 डिवाइडेड बाई 800, 230/800 होगा वैल्यू, मतलब बेसिकली 23/8 कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 16 फिर 9 का मतलब हो गया 2.8 होगा ना, 2.9 हो रहा है, 2.98 हो रहा है, 0.298 इनफैक्ट, 0.298 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में 0.2 मोलर 500 ml दे रखा, तो जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ऐसा, तो 0.2 मोलर 500 ml, 0.1 मोलर 300 ml नीचे लिख लेते हैं इस चीज को। H2SO4 वाले पार्ट में वैल्यू दे रखा 0.2 मोलर 500 ml, और HCl वाले पार्ट में वैल्यू दे रखा 0.1 मोलर और 300 ml। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले वाले पार्ट से हम लोग H+ निकाल लेते हैं, तो H2SO4 में दो गुना H+ है, मतलब कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.4 मोलर हो जाएगा और वॉल्यूम तो 500 ही रहेगा। दूसरे वाले केस में HCl के तरफ से H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो कंसंट्रेशन HCl के बराबर ही आएगा, 0.1 मोलर के बराबर, और वॉल्यूम वाला पार्ट 300 ml हो जाएगा। तो यहाँ से H+ रिजल्टेंट अगर निकाले या H+ फाइनल निकाले तो C1V1 0.4 × 500 प्लस C2V2 0.1 × 300 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 निकल के आना चाहिए, मतलब 500 प्लस 300 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन में ये डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ से भी डेसिमल हटा देते हैं, तो 15 × 4 मतलब 200 आएगा, और 30 × 1 मतलब 30 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाले पार्ट में 800 आने वाला है। तो एक तो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा यहाँ, अच्छा 230 है ना, सॉरी हाँ ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वैल्यू 23/80 होगा, तो पहले 23/8 कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में 10 और डिवाइड कर लेंगे, तो 16 के बाद बचेगा यहाँ पे 7 का मतलब, अच्छा 23 है ना, ओके 23/8 अगर लेकर के चल रहे हैं तो इस केस में 16 के बाद यहाँ पे बचेगा 7 का मतलब हो गया 64 6
64 और 6 तो ऐसे भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा, 8 7 56 और 4 2.875 है, इसका मतलब आंसर होना चाहिए 0.2875, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा 0.2875 मोलर। यस सर, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे एक बार देख लेना, बाकी अगर ऊपर के कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 0.2875 मोलर होना चाहिए आंसर। एक बार ऊपर भी करेक्शन कर देते हैं, ऊपर शायद हम गलत आंसर लिख लेते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, तो आराम से पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में मोल कंसेप्ट में काम में नहीं आएंगे अपने, लेकिन आगे हम लोग रेगुलरली काम में आएंगे। जैसे हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन काम में आएगा, H प्लस वाला पार्ट। वहां पे पीएच के कैलकुलेशन में ये सब क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, लेकिन अभी अगर एक बार देख लेंगे तो वहां पे चीजें बहुत आसान फील होंगी, वहां पे कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से होगा। अगर कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया। अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसको स्टार मार्क करके रखना। ये क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड है और याद ही रखना होता है वैल्यू, अगर याद रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाला। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेशन निकालते वक्त, कि हम लोग हमेशा सॉल्यूट के टर्म में काम करते हैं, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अब हम लोग सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग सॉल्वेंट का ही कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो जैसे इसका तरीका देख लो पहले, और उसके बाद ये क्वेश्चंस के पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग अलग अलग वैल्यूज के लिए भी इस चीज को यूज करते हुए चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लो एक अजम्पशन लेते हैं हम लोग, कि हम लोगों का 1 kg का सॉल्यूशन है, एक अजम्पशन लेके चल रहा है। तो 1 kg का मतलब हो गया कि हम लोगों के पास क्वेश्चन में 1000 ml का सॉल्यूशन है, सॉरी 1000 ग्राम का सॉल्यूशन है, और वाटर का डेंसिटी बचपन से सुनते आ रहे हैं 1 g/ml के बराबर होता है। तो 1 g/ml जितना ग्राम उतना ही ml होगा, इसका मतलब ये है 1 kg में अगर 1000 g था तो उस केस में जो अपना वॉल्यूम है वो भी 1000 ml के बराबर निकल के आ सकता है। तो पहला चीज, अगर हम लोग वाटर का 1 kg लेके चलते, मतलब 1000 g लेके चलते, तो अपना वॉल्यूम 1000 ml निकल के आता। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो इस केस में यहां से वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट 1000 g निकल के आ रखा, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय अपना कंसंट्रेशन वाला पार्ट 18 के बराबर है, और वॉल्यूम वाला पार्ट कितना था 1000 ml, जिसको हम लोग लीटर में लेके चलते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग 1000 ml वाले पार्ट को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में बेसिकली 1000 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा अपना वैल्यू 1000/18। ये वैल्यू सीधा याद रख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1000/18, और ये जो चीज है इसी चीज को हम लोग 55.5 मोलर के बराबर भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू तुमको याद ही रहना चाहिए, अभी तो पहला दिन है तो चलो भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से कैलकुलेशन आएगा, फिर से कैलकुलेशन आएगा, जब भी कैलकुलेशन आएगा बार बार यही वैल्यू आएगा। वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला, और इस वैल्यू को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे एक बार, तो इसलिए वैल्यू का थोड़ा ध्यान रखना, अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा। चैप्टर नंबर 8 या 9 होगा, उसमें हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, फिर से रिमाइंड हो जाएगा ये चीज। तो इस चीज को नोट कर लो कि हम लोग वाटर का कैलकुलेशन या वाटर के कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो पहले जो भी मास दे रखा उस मास वाले पार्ट से वॉल्यूम निकालो, और डेंसिटी हमेशा 1 g/ml है, तो आराम से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं वॉल्यूम का। फिर वॉल्यूम जैसे ही निकल के आ गया तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, वहां से अपना आंसर हमेशा 1000/18 ही आएगा। नोट कर लो इस चीज को, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। Thank you.
यहाँ तक का पार्ट नॉर्मली हम लोग कंसंट्रेशन का पार्ट कंसिडर करते हुए चलते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग मोलैलिटी वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे, और मोलैलिटी वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग आराम से उसके आगे वाले कंसेप्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बस एक दो पॉइंट्स और हैं जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, वो दोनों पॉइंट्स अभी मेंशन कर दे रहा है। दो भी नहीं, एक्चुअल में एक ही पॉइंट है, दूसरे की भी जरूरत नहीं होती। नोट्स कॉपी में पॉइंट नोट कर लेना, नोट लिख करके। मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म जैसे ऐसा कंसंट्रेशन वाले पार्ट का फॉर्मूला अगर कंसिडर करें। चलो ध्यान देना थोड़ी देर, जैसे एक चीज सोच के देखना बस, केवल मान लो कि हम लोग के पास कोई एक सामान है जिसका मास 1 kg है, तो रूम टेम्परेचर पे 1 kg है, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे चले जाए, मान के चल रहे हैं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई सब्लिमेशन नहीं हो रहा, तो हम लोग अगर रूम टेम्परेचर के जगह पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो हम लोग का मास तो चेंज नहीं होने वाला है, मास जितना पहले था 1 kg उतना ही बाद में रहेगा, तो हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो मास चेंज नहीं होने वाला मतलब ना मास मतलब वेट चेंज हो रहा, ना ही मोलर मास चेंज हो रहा, तो अपना नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं करेगा। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं, मान लेते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो एन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बचपन में एक चीज सुना होगा कि हम लोगों का जो ये है क्या बोलते हैं वॉल्यूम वाला पार्ट, इसमें एक्सपेंशन होता है। हम लोग जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट घट जाएगा। तो इस केस में मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर को चेंज करने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इंक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी डिक्रीजेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। तो ये एक रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी वाला पार्ट चेंज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर हम लोग का कंसंट्रेशन वाला पार्ट या मोलैरिटी वाला पार्ट डिक्रीज कर जाया करेगा, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। आज जो भी चीजें पढ़ाई अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। स्क्रीन ऊपर कीजिए ना सर। क्या स्क्रीन ऊपर कीजिए ना? स्क्रीन ऊपर करें यहाँ तक क्या? और ऊपर स्टार्टिंग में एक्शन में स्टार्टिंग स्टूडियो आज का स्टार्टिंग नोट्स भेज दीजिएगा। क्या नोट्स भेज दीजिएगा? हाँ हाँ नोट्स तो भेजेंगे, नोट्स के लिए दिक्कत नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नोट्स मत छापने लग जाओ। कोई डाउट नहीं है? चलो, लास्ट क्लास में तुम लोगों से बातचीत हुआ था, बोला था तुम लोगों ने क्लास बढ़ाई है सर बायो का, तो ओवरऑल क्लास ही खैर हम लोग बढ़ा दिए हैं, ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा है लेकिन ठीक है, हम लोग ज़्यादा 3 घंटे का क्लास नहीं लगाएंगे, वो धीरे धीरे तुम लोगों को आदत पड़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई तुम लोगों को, क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आज क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक बार उनको होमवर्क दे रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उन क्वेश्चन का डाउट तुम लोगों को ग्रुप में डाल करके पूछ लेना है। डाउट सेशन का ग्रुप तो तुम लोगों के लिए मेंशन कर ही दिया गया है, उसका लिंक मिल गया होगा, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, तुम्हारा नंबर किसी को दिखने नहीं वाला तो इसलिए आराम से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे तुम्हारे
बुकलेट में क्या क्या क्वेश्चन हम लोग दे रखे हैं उसका तो हमको ध्यान नहीं है, लेकिन जो होमवर्क है उस चीज को देख लेते हैं एक बार। शायद से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाला पूरा पार्ट हम लोग कर चुके थे, मोल मोल एनालिसिस पूरा कर चुके थे हम लोग, हाँ कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट देखना था अपने को। तो जो जो क्वेश्चन होमवर्क बोल रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके रखना, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 88 ये ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 89 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 90 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई कर लेना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 91, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 ट्राई कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। एक चीज दिख रहा होगा तुम लोगों के पास, जैसे टोटल 99 क्वेश्चंस है, 99 में अभी तक सारे क्वेश्चंस मोलैरिटी के हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कैलकुलेशंस काफी अच्छे से करके रखने होने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है उसके बाद इसमें तो अभी क्वेश्चन नहीं दे सकते, उसके बाद कन्वर्जन का सवाल है, उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और क्या क्या होमवर्क दिया था तुम लोगों को कुछ याद है, बताओ भाई कोई? सर क्वेश्चन नंबर 83 तक तो दे चुके हैं। हाँ वो तो मालूम है, पहले का सारा क्वेश्चन दे चुके हैं, उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन तो ट्राई करना पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं उनको भी ट्राई करके देखना। एक मिनट, एक्सरसाइज वन में कॉपी में नोट करते जाओ, एक्सरसाइज वन, कुछ लोगों को जो हम होमवर्क दे रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे ही भाग जाते हैं, उनको मालूम है कि होमवर्क तो बनाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब शायद होमवर्क दे रखा है जहां तक हमको ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है इतने क्वेश्चन ट्राई करके देखना, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।